बिहार के नवादा में दलित बस्ती में दबंगों ने बुधवार रात 8 बजे 80 घरों में आग लगा दी। आरोपियों ने फायरिंग भी की, लोगों के साथ मारपीट भी हुई। इसके बाद यहां तनाव बना हुआ है। गांव में हालात पर काबू पाने के लिए 5 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। इस घटना की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। मामला नवादा जिला के मुसलसिल थाना क्षेत्र के ददौर स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती का है। कई मवेशी भी जल गए। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर जल चुके थे, घर फूस और खपरेल के बने हुए थे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नवादा जिले में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को जलाने की घटना पर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने इस घटना का उल्लेख करते हुए इसे महाजंगल राज से आगे महा दानव राज और महाराक्षस राज की संज्ञा दी है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के सहयोगी एनडीए को भी चेतावनी दी है। बिहार के नवादा जिले में कृष्णनगर की बस्ती में 2 दर्जन से ज्यादा घरों को आग लगा देने की घटना की आंच अब पटना तक पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार और राजक एनडीए पर जमकर हमला बोला है। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। दरअसल नवादा जिले में बुधवार रात एक बड़ी खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार यहां कृष्णनगर में करीब 2 दर्जन से अधिक घरों में आग लगा दिया गया। ये घर अनुसूचित जाति के लोगों का बताया जा रहा है। आरोप है कि इलाके के दबंगों ने इस घरों को आग के हवाले कर दिया। पीड़ितों का कहना था कि करीब 50 से 60 घर जल गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव का दावा है कि करीब 100 से अधिक घर में आग लगाया गया है। इधर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि करीब 2 दर्जन के घरों में आग लगाया गया है। हालांकि इस घटना के बाद कृष्णनगर इलाके में माहौल को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात कर दी गई है। वहीं पुलिस ने करीब 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।